Former cricketer Reema Malhotra is another cricketer who has expressed her concern with the first T20 game between India and Bangladesh, which is scheduled to take place on November 3rd in Delhi. Calling the Delhi weather as dangerous, Malhotra feels it will adversely affect the health of the cricketers. फिलहाल की पोजीशन में कहूँगी सेफ नहीं है, डेफिनेटली सेफ नहीं है, क्योंकि हमने सिर्फ क्रिकेट नहीं देखना है, ये भी देखना है कि लोगों की हेल्थ कैसी है, प्लेयर्स की हेल्थ कैसी है, तो डेफिनेटली एक डेंजरस थिंग है. और विद द सिलेक्शन ऑफ द यंगस्टर्स इन द टीम, इट विल बी अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर देम टू शोकेस देयर टैलेंट एज वेल एज प्रिपेयर फ्यूचर बेंच फॉर द टीम, फील्स मल्होत्रा. देखिए, मैं कहूँगी कि ये यंगस्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अब क्रिकेट इतना ज़्यादा हो चुका है, अगर विराट ने रेस्ट लिया तो डेफिनेटली उनकी बॉडी को वो बेटर जानते हैं. लेकिन डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी है, ना केवल संजू सैमसन के लिए बल्कि हर एक खिलाड़ी के लिए, क्योंकि एक अच्छे लीडर के अंदर खेलने की उनको आदत है. लेकिन रोहित शर्मा एक बढ़िया कप्तान है, तो उनकी कप्तानी भी ज़रूर देखी जाएगी. और यहाँ पर मुझे लगता है एक अच्छा मुकाबला है, अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपके पास बेंच स्ट्रेंथ तैयार करने के लिए. और एक सेकंड लाइन ऑफ बैटिंग मैं कहूँगी स्पेशली, क्योंकि शिवम दुबे हार्ड हिटर हैं और संजू सैमसन को तो हम 2 साल से देख रहे हैं जो लगातार परफॉर्म कर रहे हैं और काफ़ी चर्चित हैं वो पूर्व खिलाड़ियों में भी, कि उनकी चर्चा हो रही है कि उनको टीम में शामिल किया जाए. तो एक अपॉर्चुनिटी है, वो डेफिनेटली ग्रैब करेंगे. Speaking about Rishabh Pant and how important a T20 player the wicketkeeper batsman is, the former cricketer said, अच्छा, हम देख रहे हैं. बिल्कुल, देखिए आजकल के युवा खिलाड़ी पावर हिटिंग के लिए ज़्यादा जाते हैं और जाने जाते भी हैं. शिवम दुबे ने 6 छक्के लगाए हुए हैं और ऋषभ पंत की आप बात कर रहे थे, मुझे लगता है जगह बचाने के लिए अभी उनका करियर में वो टाइम आया है, जरूर उनको बैक कर रहे हैं. और लर्निंग प्रोसेस है, देखिए कुछ कमियाँ होती हैं जो कई बार हम ऊपर लेवल में आके सीखते हैं, हमें पता चल जाता है कि क्या हमारा होमवर्क है. और डेफिनेटली उन्होंने उस पर वर्क किया होगा, रवि शास्त्री ने भी उनको बैक किया है और वो एक अपकमिंग टैलेंट है और मेरे हिसाब से वो T20 के एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी रहेंगे. Reema does feel that the team will miss the services of their skipper Virat Kohli. डेफिनेटली अगर आपके पास बढ़िया खिलाड़ी हैं उनकी कमी ज़रूर महसूस होगी, लेकिन अगर आपके पास बढ़िया रिप्लेसमेंट है, बढ़िया टैलेंट है, तो उतनी कमी अब वो फुलफिल कर पाए नहीं कर पाएंगे, ये इनके परफॉर्मेंस पे जरूर डिपेंड करता है. बट मुझे लगता है कि यही एक बढ़िया मौका है कि आपके पास रिप्लेसमेंट्स तैयार हो सकती है, आपके पास सेकेंड लाइन ऑफ टीम तैयार हो सकती है. डेफिनेटली With the ban on Bangladesh all-rounder Shakib ul Hasan, it will give a good opportunity for others to step up, feels the former cricketer. देखिए, इसके दो पहलू हैं. मैं कहूँगी पहला ज़रूर सेटबैक, अगर हम अचानक ये बात सामने आई, क्योंकि हाल ही में इनके मैचेस हैं इंडिया के साथ. लेकिन एक ये मोटिवेशन भी, एज अ मोटिवेशन भी ले सकते हैं खिलाड़ी, कि आप बड़े प्लेयर के बिना खेलने की आदत डालें, क्योंकि 2 साल का एक लंबा बैन है उनके लिए. और इसमें क्या पता कोई और शाकिब उल हसन उनके सामने एक आ जाए, एक अपॉर्चुनिटी है डेफिनेटली उनके लिए भी. सेटबैक डेफिनेटली रहेगा, कैसे उसके साथ वो खेलते हैं ये इंपॉर्टेंट रहेगा बांग्लादेश के लिए.